हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिफला के चूर्ण के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा, रिव्यू करेंगे हम आज डाबर के त्रिफला चूर्ण का। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट जान लेते हैं। ये जो त्रिफला चूर्ण है, कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी को दूर करता है, हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है। और ये जो त्रिफला पाउडर है, ये हमें पाउडर के फॉर्म में रिसीव होता है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप चाहें तो खरीद सकते हैं, मार्केट में किसी भी केमिस्ट स्टोर पे भी मिल जाएगा। ये है डाबर का। और अब हम जानेंगे कि ये कितना, कैसे और कब लेना है। तो इसको आप एक दिन में 3 से 6 ग्राम पानी के साथ मिक्स करके या फिर छाछ के साथ भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो 1 चम्मच पानी में ये डालकर ले लें। और अब करेंगे हम बात इसके इंग्रेडिएंट की। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो भी बिल्कुल नेचुरल हैं, जैसे कि आंवला है, भरड़ है और हरेड़ा है। इसमें सावधानी रखने वाली बात को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, प्लीज़ इसका यूज़ ना करें। और इसके अलावा जो लोग कोई और दवाई खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से रिलेटेड हो सकती है, अगर उस दौरान अगर आप ये खाते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और मार्केट में ये 3 तरह की क्वांटिटी में उपलब्ध है, जैसे कि 120 ग्राम का जो है वो है 58 रुपीज़ का, 500 ग्राम का है 164 रुपीज़ का। तो इसके बारे में ये जानकारी मैं पूरी दे चुकी हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।